इस्लामिक डिपार्टमेंट से मिस किश्वर आपसे मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम, सेकंड ईयर। आज हमने आयत नंबर 23 से पढ़ना शुरू करना है, इसका तर्जमा और तशरीह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइन कुंतुम फी रैबिन, और अगर तुम्हें शक है, मीमा उसके बारे में, नज़लना जो हमने नाजिल किया, अला अब्दिना अपने बंदे पर, और अगर तुम्हें इसके बारे में कोई शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, कालू फातू, तो पस तुम ले आओ भी सूरत एक सूरत में मिसली इस जैसी, तो तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ, वद ऊ और बुला लो शुहदाकुम अपने में से गवाहों को, मेन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, तो तुम अल्लाह के अलावा अपने में से गवाहों को बुला लो, अपने में से गवाह यानी उनके जो साथी, उनके शोरा, उनके अदीब, उनके दानश्वर वगैरह वगैरह, इनको तुम सादिकिन अगर तुम सच्चे हो। फ़ैलम ताफ़लु, फिर तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, फ़लन ताफ़लु और तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, फ़ता कुन अल्लाह, पस तुम डरो उस आग से, अल्लाह ते जिसका वकूदुहा नासु, जिसका ईंधन नासु लोग होंगे, वाल हिजारतु और पत्थर, जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, वो इद्दत जो कि तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफरों के लिए, जो कि काफरों के लिए तैयार की गई है। तो इस आयत में बताया है कि कुरान पाक जो है वो दुनिया के लिए एक चैलेंज है। किस लिहाज से चैलेंज है? कि इस तरह की कोई इंसान भी चाहे तो वो इस तरह का कलाम पेश नहीं कर सकता, वो इस तरह का कलाम पेश करने से आजिज़ है, कासिर है। कुरान पाक की सूरत कुरान पाक में है कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो कि शको शुबा से बालातर है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि ये कलाम इलाही है। ये कोई इंसान कितना भी अच्छा कलाम पेश कर दे अपना, लेकिन वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सूरह बकरा में है, ज़ालिकल किताब लारे बाफी, ये वो किताब है कि इसमें कोई शक नहीं, यानी ये ऐसी किताब है जो हर तरह के शको शुबा से बाला है, इसमें किसी तरह की कोई शक नहीं है। इसको पढ़ने के बाद इंसान कहे कि ये क्यों इस तरह से है, ये इस तरह से होना चाहिए था, किसी शक का इजहार करे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक हदीस में है कि कुरान पाक को तमाम कलामों पर ऐसे ही फौकियत हासिल है, यानी जितने भी दुनिया में कलाम पेश किए गए हैं, हर कलाम पर कुरान पाक को ऐसे फौकियत हासिल है जिस तरह से अल्लाह ताला को अपनी तमाम मखलूक पर फौकियत हासिल है। यानी इस तरह का कुरान पाक का जो अंदाज़ या कलाम है, वो इस तरह का कलाम है कि उसे दुनिया के तमाम जितने भी कलाम हैं सब पे इस तरह फौकियत हासिल है, जिस तरह से कि अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। इस तरह से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद ही ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम्हें हमारे कलाम के बारे में कुछ शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, कि तुम कहो कि ये पता नहीं खुद बनाया हुआ कलाम है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह ताला का कलाम है और इसके तरह का कोई और कलाम नहीं है। अगर तुम्हें शक है इसके बारे में, तो तुम इस तरह का कलाम बना लो। तुम्हें अगर अपनी फसाहत और बलागत पर इतना नाज है, इतना फ़ख्र है, तो तुम अपने शायरों, अदीबों और अपने जो दानिश्वर हैं उन सब की बेशक मदद हासिल कर लो, और अपने शक का अजाला कर लो, और इस तरह का कलाम बना कर ले आओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुरान पाक में एक मुकाम पर है, कुल लाइन इस्तामातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्लिहि वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। कह दो कि अगर तुम जिन्नो इंस यानी तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर भी जोर, अगर यानी तमाम जिन और इंसान मुत्तफिक होकर जोर भी लगा लें कि इस कुरान पाक की तरह का कलाम पेश कर दें, तो इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकेंगे, ख्वाह वो एक दूसरे के मददगार भी क्यों ना बन जाए, वो ऐसा नहीं कर सकते। सूरह हूद में है, अमज कुल अफ्तरा कुल फातु भी अशर सोरन मिसल ही मुफ्तारा याति वदु मिन इस्तादातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। वो कहते हैं कि आपने इसको खुद बना लिया, यानी इस कलाम को वो कहते हैं कि खुद बना लिया,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि इस जैसी 10 सूरतें बनाई हुई तुम ले आओ अल्लाह के सिवा, जिसे तुम बुला सकते हो बुला लो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, कि तुम इस जैसी 10 सूरतें बनाकर ले आओ, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो तुम जो है वो अल्लाह के अलावा अपने साथियों को भी बुला लो और इस तरह की सूरतें भी बना कर ले आओ। लेकिन वो कहाँ इस तरह कर सकते हैं, इसे को सारी उनकी ख्वाब ख्याली है, अल्लाह ताला का की तरह का कलाम जो अल्लाह ताला ने कलाम पेश किया वो पेश करने से कासिर है। कुफार को अपनी फसाद और बलागत पर बड़ा नाज था। एक तरफ तो वो कुरान पाक के कलाम इलाही होने में शक व शुबा का शिकार थे और दूसरी तरफ इस जैसे कलाम के पेश करने से भी कासिर थे, यानी वो उनकी हट धर्मी थी, वो ज़िद्द थी, मुखालफत में पड़े हुए थे, हालांकि वो इस तरह का कलाम पेश करने से कासिर थे, इसीलिए तो उनको अंधे बहरे गूंगे कहा गया। और सूरत कौसर को एक बार खाना काबा में कुफार से बार बार कहा गया कि तुम इस तरह का दावा तो करते हो तो तुम कोई 10 सूरतें बना कर ले आओ, लेकिन अगर तुम 10 सूरतें नहीं बना सकते इस तरह की, चलो एक ही सूरत बना कर ले आओ। इसके बाद सूरह कौसर जो कि सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, उसको लिखकर खाना काबा में लटका दिया गया कि इस तरह की इसके मुकाबले में वो कोई कलाम ले आए, चाहे 3 आयात पे मुश्तमिल ही ले आए। लेकिन जैसा कि खुद कुरान पाक ने मज़ीद ये दावा किया कि तुम हरगिज़ इस जैसा कलाम पेश नहीं कर सकोगे और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, चंद दिन के बाद किसी अदीब की नज़र जब इन आयात पर पड़ी तो वो पुकार उठे, यानी उन्हीं का बंदा जो अदीब था वो पुकार उठे कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं, यानी फ़ौरन उन्होंने कहा कि माँ हाजा कलाम उल बशर, के ये कलाम किसी बशर का नहीं हो सकता, यानी वो हैरान रह गए इस पर कि ये इस तरह का कलाम है, इस तरह की फसाहत व बलागत है, इस तरह की इतना पुरतासीर कलाम है ये कि अल्लाह के अलावा इस तरह का कलाम जो है वो पेश नहीं किया जा सकता, कोई पेश नहीं कर सकता। कुरान पाक पर ईमान लाने जो नहीं लाते उनके लिए फिर कुरान पाक ने सज़ा भी तजवीज़ कर दी। कुरान कुफार को तंबीह की गई कि जब तुम अपने मौक़ में झूठे हो और कुरान पाक अपने दावे में सच्चा है, अब तुम्हें चाहिए कि कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, कि तुम्हें अब आजिज़ हो जाना चाहिए कि तुम उस तरह का कलाम पेश ही नहीं कर सके। अब तो उसके ये है तुम्हारे लिए सज़ा कि अब तुम्हारे लिए ये है कि तुम, पहली बात हो यह कि तुम कुरान पाक पर और जिन पर यह कुरान पाक नाज़िल हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले। दूसरी बात यह है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो, यानी ऐसा करोगे तो जहन्नम की आग से महफूज रहोगे, अदरवाइज़ तुम जहन्नम की आग से महफूज नहीं रहोगे बल्कि जहन्नम ही तुम्हारा ठिकाना होगा, और ये ऐसी जगह है कि जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, यानी वो किस चीज़ से जल रही होगी, जो जहन्नम की आग है जो भड़क रही होगी वो इंसानों से पत्थरों से भड़क रही होगी, उसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। ये ऐसी जगह है जिसका और जहाँ तुम और तुम्हारे जो मन घड़त खुदा हैं वो इकट्ठे जलते रहोगे, और ये आग इन्हीं किस्म के लोगों के लिए तैयार की गई है। किन किस्म के लोगों के लिए, जो कि अल्लाह ताला पे ईमान नहीं लाते और कुरान पाक पे ईमान नहीं लाते और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते। व बशरी लजीन आमनू, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो, वह आमिर सालियाते, और वो लोग जिन्होंने नेक अमल किए, यानी इसमें बताया गया कि उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान वाले हैं, जो ईमान लाए अल्लाह ताला पर, ईमान लाए और अल्हामी किताबों पर, रसूलों पर, और आखिरी दिन पे, यानी जो आखिरत का दिन है यकीनी, उस पर ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, और उन्होंने नेक अमल किए यानी जो उनको अमल बताए गए, अमले साले, यानी वो नेक अमल करते रहे। नेक अमल में बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि वो उन्होंने ना सिर्फ दीन इस्लाम पे अमल पैरा हुए बल्कि उन्होंने हकूक और इबाद की भी पूरे तौर पे पासदारी की, और बाकी तमाम जिहाद और जितने भी अमूर थे दीनी सब पे वो अमल करते रहे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह, यानी नेक अमल उन्होंने किए। अन्ना रहम, कि उनके लिए जो है वो जन्नत है, ताजर में ताते राना, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। कुल्लामा, जब कभी रूजी को रिस्क दिया जाएगा मेना उसमें से, जब कभी उनमें उन्हें इसमें से रिस्क दिया जाएगा मेन सामारा फलों में से, रिस्क बतौर रिस्क
कालू तो वो कहेंगी हाज़ लज़ी, ये वही अरुज़ है जो हमें दिया गया था मिन कबलू, इससे पहले वातु बे ही मुतशाबियन, और इससे मिलता जुलता दिया गया वालों और उनके लिए फिया इसमें अजवाजन पाकिज़ा बीवियाँ हैं, वहम और उन और वो फिया इसमें खालिदुन हमेशा रहेंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। तो इसमें मोमिनीन को खुशखबरी सुनाई गई है कि वो लोग जो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की अतात करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, तो उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी है, और अपने फरमा बरदार बंदों को अल्लाह ताला आखिरत में बहुत सारे इनामात से नवाजेंगे। यानी अल्लाह ताला बहुत सारे इनामात से नवाजेंगे, वो कौन से इनामात होंगे जो जन्नत में उनके लिए होंगे? अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए जन्नत का वादा फरमाया है। जन्नत उस बाग को कहते हैं जो कि घने दरख्तों पे मुश्तमिल है, यानी इसमें बहुत सारे घने खूबसूरत दरख्त होंगे जिन्होंने जन्नत की ज़मीन को पूरी तरह से ढांपा हुआ होगा, घेरा हुआ होगा, जिनके एक माने ये तो इस तरह से, यानी ऐसी जन्नत किन लोगों को होगी, किन लोगों के लिए होगी? जो कि जिन्होंने अमले साले किए होंगे, जिन्होंने नेक अमल किए होंगे, वही जन्नत की नेमतों से इस्तफादा कर सकेंगे। कुरान पाक में है, कोई शख्स नहीं जानता कि उनके कि कौन सी चीज़ जो है वो जो चीज़ उनके लिए मख्फी रखी गई है जो इंसान की आँख के लिए ठंडक का बायस बन सकती है। हदीस शरीफ में इरशाद होते हैं अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने साले बंदों के लिए वो कुछ तैयार, नहीं साले से मतलब नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और ना ही किसी के दिल पे गुजरा। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि जो चीज़ें जन्नत में हैं वो दुनिया की किसी चीज़ से मुशाबहत नहीं रखती, यानी जन्नत में जो चीज़ें हैं वो किसी दुनिया की चीज़ों से मुशाबहत नहीं रखती। नहरों का जारी होना, यानी सिवाय फलों के कुछ फल ऐसे हैं जो कि जन्नत में इंसान खाएगा तो उनके बारे में सोचेगा कि शायद मैंने इसको पहले भी कभी खाया है, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, टेस्ट के अतबार से उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। नहरों का जारी होना, जन्नत के हसीन और जमील बागात ऊंचे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और नहरें भी सिर्फ पानी की ही नहीं कि सिर्फ पानी की नहरें हैं, बल्कि आप देखें कि पानी की नहरें हम देखते हैं तो हम कितना इंजॉय करते हैं कि पानी को देख के, इतना ज़्यादा पानी है, शफाफ पानी है, बहता हुआ पानी, उसको देख के हम कितना इंजॉय करते हैं। और लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ पानी की नहरें नहीं होंगी बल्कि दूध और शहद की नहरें भी होंगी। तो आप देखें, एक तसव्वुर करें कि जब दूध की आप नहर देखें कि पूरी दूध की नहर बह रही है और शहद की नहर बह रही है, तो उसको आप मिक्स करके पिएंगी तो क्या कैसा लगेगा आपको कि जिस तरह दुनिया में नहरों के अंदर छोटे छोटे कंकर और पत्थर होते हैं, जन्नत की नहरों में की तह में हीरे और जवाहरात और जुमुर्द चमकते हुए होंगे, यानी ये पानी की जो नहरें जन्नत में होंगी उनमें ये चीज़ें होंगी, और पानी इतना शफाफ होगा कि उनके नीचे से ये सारी चीज़ें हीरे जवाहरात चमकते हुए ऊपर नज़र आ रही होंगे। फल और रिस्क, जन्नत में बेहतरीन खुराक है, यानी बेहतरीन उनके लिए खुराक होगी, मेहमान नवाजी उनकी की जाएगी, उनको तरह तरह के फल दिए जाएंगे, वो ऐसे फल होंगे जो कि नामानूस होंगे, नामानूस से मुराद है ऐसे फल होंगे जो कि जिनसे शनासाई नहीं होगी, किसी की वाकफियत ही नहीं होगी, शक्ल में वो उन्हीं की तरह मिलते जुलते होंगे, जैसे आप देखेंगे मैंगो है, अंजीर, खजूर, अंगूर, जैतून वगैरह वगैरह, इस तरह के फलों से मिलते जुलते फल होंगे, लेकिन वो जब देखेंगे तो कहेंगे कि ये इस तरह का फल तो हमने पहले भी कभी खाया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये हमने एक दुनिया भी होती थी और दुनिया में हमने खाया था, ये चीज़ सारी वो भूल चुके होंगे, लेकिन वो टेस्ट के अतबार से उनसे कहीं अच्छे होंगे। और ये कि जन्नत में उनके लिए पाकिज़ा बीवियाँ होंगी, तख्त होंगे, तकिए लगे होंगे, और वो तकिया लगा के वो और उनकी बीवियाँ बैठे होंगे, और हूरें होंगी जो उनकी खिदमत के लिए खड़ी होंगी, ये सारी चीज़ें किन के लिए होंगी? उन लोगों के लिए जो कि जन्नती होंगे, और जन्नत की नेमतें जो है वो हमेशा हमेशा के लिए होंगी। दुनिया में तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसी नेमतें कभी आ गई, कभी ख़त्म हो गई, कभी रिस्क ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया,
अल्लाह तो इस तरह जो है वो सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जो आखिरत की नेमतें होंगी वो हमेशा रहने वाली नेमतें होंगी, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं होंगी और वो हम बहुत खुश व खुर्रम होंगे इन नेमतों से, हमेशा हमेशा के लिए इंजॉय करेंगे। और अल्लाह ताला पर ईमान लाने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत में जो भी नेमतें उनको मिलेंगी वो हमेशा हमेशा रहने वाली होंगी और वो कभी भी इन नेमतों से अलग नहीं होंगे और वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।